नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारी बारिश के चलते मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर आज़ाद नगर में पहाड़ पर से घरों पर गिरे पत्थर। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर निरीक्षण करने और वहां के रहवासियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम है आज़ाद नगर। क्या हुआ है आपका यहाँ पे? जो पत्थर है जो ऊपर से पहाड़ से गिरा, क्या बताइए? हम लोग यहाँ पे 25 साल से रहते हैं। यहाँ पे मेरे 5 रूम थे पत्थरे के। हर साल पत्थर गिरता बारिश में, और हर साल ऐसा है कि हम लोग रात को सोए पत्थर गिरे, सुबह उठाओ पत्थरे लगाओ, पत्थर गिरे फेंको मट्टी। हर साल हम लोग तंग आ गए। तंग आके हम लोग ने ये हमारे पूरे 5 घर जो गिरे टूटे, वही मट्टी धसलने से और पत्थर गिरने से हम लोग के 5 रूम टूट गए। कंटाल के बाल बच्चे लेके कैसा क्या मरेंगे इधर। हर किसी को बोले प्रशासन में, हर किसी को बोले, यहाँ तक पीडब्ल्यू वाले से, पीडब्ल्यूडी वाला जब भी रोड का काम चालू था वॉल मार रहा था, उससे भी हम लोग को झगड़ा हुआ। मेरा बच्चा नहा रहा था और मोरी में इतना बड़ा पत्थर आया। वो लोग जो पत्थर निकाल निकाल के रखे ऊपर, वही लुढ़क के आया, उससे झगड़ा हुआ। नगर सेवक आया, नगर सेवक बोला ये लोग का बना के दो। मगर उसके बाद में अल्लाह जानता है क्या काम हुई, क्या बात हुई, हम लोग की वॉल नहीं बनी। ये हर साल का मतलब हर साल है? हर साल बारिश में। और अभी आप देखो कितना बड़ा पत्थर उधर से गिर कर आया है। इधर रहने वालों को हर साल की तकलीफ है। ये पत्थर हम लोग ने जब ही बोले थे कि हटाओ, ये तो ऐसा हुआ कि हम लोग ने नीचे घर बनाए, कंटाल गए यहाँ से, हम लोग के घर टूटे, हम लोग नीचे गए। और अभी आप देखो मेरे भाई का घर भी सामने टूट गया है। तो वॉल बाउंड्री मारने का आपने मांग नहीं किया है? वॉल बाउंड्री मारने की मांग करे उसने तो उल्टा पीडब्ल्यूडी वाले ने हम लोग से झगड़ा करा, हम लोग के नाम के एनसी डाला, जबकि कसूरवार वो था उसने। तो यहाँ का जो नगर सेवक है शानू पठान, उन्होंने क्या किया अभी तक? उन्होंने तो कुछ किए नहीं अभी तक। उन्होंने भी उसको बोले कि वॉल बना के दो। हम लोग तो शानू भाई को बुलाए, वो आए हाईवे पे बोले, मगर उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि हम लोग तो यहाँ से हट गए। हम लोग के 5 रूम में आप देख सकते मट्टी पत्थर गिर के कैसे हाल हो गए हम लोग के। और अब जो हम लोग के पड़ोस में है वो भी बाल बच्चे वाले हैं। इतना बड़ा पत्थर गिरा, अगर वो उधर गिरता तो क्या होता था? तो आपका ये जो घर था या कितने साल से यहाँ पे था, और अभी कितना साल हो गया आपके घर के टूट के? मेरे घर को टूट के अभी 5 साल हो गया है। 5 साल के पूरा 5 साल 5 साल से मैं नीचे रह रही हूँ। और हम लोग यहाँ 25 साल से सब लोग रहते हैं। अब हम लोग हटे तो ये पत्थर इधर नीचे गिर के आ रहे, और भी आसपास में घर है। हम लोग की तो एक ही मांग है कि हम लोग को वॉल बना के दे दो। आपका नाम बताइए। अनीस शब्बीर परदेसी। ये जो हादसा हुआ है पत्थर गिरने का, कितने बजे का हादसा है? ये सुबह में 11 बजे हमको मालूम पड़ा, लेकिन सुबह में 8:30 बजे के टाइम पे ये पत्थर गिरा हुआ है। और मेरे घर के बाजू में इससे पहले भी 2007 के अंदर मेरी घर की दीवारें भी गिरी। मेरे को आश्वासन दिया गया शानू पठान साहब ने कि अनीस ये काम वाल का सलीम सैयद डायरी के ऊपर नाम लिखा हुआ पीडब्ल्यूडी से म्यूनसिपल्टी से मैं तेरे को वाल बना के देता हूँ। आज 9 साल से यही बात चल रही है, लेकिन शानू भाई के तरफ से अभी भी मेरे को सलीम सैयद आए यही बोले कि अनीस आगे काम बनेगा। लेकिन ये बताओ क्या ये 10 फुट की दूरी पर मेरा घर बचा हुआ है, खुदा ना खास्ता मेरे घर पर गिर जाता तो मैं उसकी जवाबदारी कौन लेता है? मेरे को शानू भाई, मर्जिया पठान, हर कोई आ रहे, बड़े से बड़े नेता आ रहे और सब देख रहे, फोटो निकाल रहे। एक छोटे बच्चे के पास में भी ये मोबाइल है, तो मोबाइल से काम हो रहा है क्या आज? नहीं हो रहा। आज हो रहा है क्या? भीमनगर में सुबह से लेकर के पब्लिक वहाँ पे खड़ी है, हमारे नगर सेवक शानू पठान, मर्जिया पठान वहाँ पे खड़े रह करके देख रहे हैं। यहाँ पे टीम भेजे और हमको अभी भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपको वाल बना के देते हैं। ऊपर भी गए कुछ लोग देखे क्या, सेंटर गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे वॉल बनाई हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाई, लेकिन यहाँ पे 24 साल से हम टैक्स और घर बना करके रह रहे, दिवाली गिर गई, जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी नुकसान हुआ। चलो शेरू आपा के पास में अल्लाह के करम से 2 रूम थे तो वो नीचे चले गए, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमको तो ये भी अभी धमकी दी गई कि आपको नोटिस दे करके खाली कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 24 साल हो। 24 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, अल्टाटना कंपनी का बाईपास जब से टूटा है हमको तभी से दिया गया है और हम वहाँ पे टैक्स के साथ में लीगली रह रहे। ये 15 साल पुरानी चाली को आप वाल बना के दे रहे हो, लेकिन प्रशासन, नगर सेवक शानू पठान और मर्जिया पठान को, 24 साल पुराने रहवासी आज़ाद नगर के लोगों को, चाहे वो शेरू आपा का घर हो, चाहे अनीस शब्बीर परदेसी का घर हो,
वहाँ पे वाल बनाने के लिए नहीं दे रही है क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं। वो दिलो जान से मेहनत कर रहे लेकिन काम हो रहा नहीं। तो कब तक? अभी माल का नुकसान हुआ 5-10 साल से वो चल रहा है, लेकिन अब जान का नुकसान होगा तो कौन भरपाई करेगा? हम तो प्रशासन के ऊपर, म्यूनसिपालिटी के ऊपर, फॉरेस्ट वाले के ऊपर हम केस करेंगे और नई चाके भी हमारे को वापिस शानू पठान साहब के साथ में या मर्जिया के सामने जाना ही पड़ेगा क्योंकि वही हमारे मसले हल करेंगी और वो नहीं करेंगी तो फिर हम उसका रास्ता कुछ और देखेंगे। अजी सर से ऊपर अगर आप देखेंगे खड़ी मशीन का जो रास्ता धसा हुआ था वहाँ पे पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ गए? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपनी टीम भेजी क्या जाओ सलीम सैयद जाके देखो वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ये बारिश कम होगी तो उसके बाद में हम ऑफिसर को भी लेके जाए, लेकिन बार बार ऑफिसर आते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है वो ऑफिसर काम क्या कर रहे क्योंकि आज सुनवाई नगर सेवक की भी नहीं हो रही करके उनके हाथ बंधे हुए। अब वो कब तक अपने जेब का लगाएंगे? ऐसा मसला है।